Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव आपका अपने YouTube चैनल ब्रॉडवे अकेडमी ठाकुर द्वारा पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक, चलिए देखिए इसी के बीच अपनी बात करते हैं अपने सब्जेक्ट हिंदी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही, तो उसी की असुविधाओं को देखते हुए अब जो है हमने अपनी कोचिंग को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बदल दिया है। ऑफलाइन जैसा कि आप बंद है अभी, तो ऑनलाइन चलेगी। ठीक है ना, आप सभी का सहयोग साथ और प्यार चाहिए, इसी तरीका से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम दीपक यादव, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और आज ये मेरी पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और किस टॉपिक में अपना कितना कंटेंट छिपा हुआ है। तो हम एक साइड से मतलब कि शुरुआत से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और अपना हाई लेवल तक जितना मेरे सब्जेक्ट में इसमें होगा कवर, जितना मैक्सिमम होगा वो आप सब तक पहुंच पाएगा और आप लगातार ईमानदारी से और मेहनत से अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहे। देखिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हम बात करेंगे वो हिंदी पर बात करेंगे, हिंदी भाषा पर बात करेंगे। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि भी हिंदी जो है वो अपनी एक भाषा है। ठीक है ना, हिंदी क्या है, अपनी भाषा है। ठीक है बेटा, हिंदी अपनी क्या है, भाषा है। और ये जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भास धातु से बना है। किससे बना है, संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। इस भास धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, अगर हम भाषा की परिभाषा की अगर बात करें तो अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, भाषा नाम देते हैं। अब भाषा कई प्रकार की हो सकती है, भाषा मौखिक भी हो सकती है, भाषा लिखित भी हो सकती है और भाषा सांकेतिक भी हो सकती है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, केवल मैं उच्चारण करूं तो वो भाषा जो होगी वो मौखिक होगी, मैं अगर लिखकर अपने भावों को व्यक्त करूं तो वो भाषा कैसी होगी, भी लिखित होगी। अगर मैं अपने भावों को अगर संकेतों के द्वारा व्यक्त करूंगा तो वो भाषा जो होगी वो एक सांकेतिक भाषा होगी। ठीक है, जैसे कि सांकेतिक भाषा का एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर मुझे मान लीजिए किसी चीज के लिए मना करनी होगी तो मैं अपनी गर्दन हिला सकता हूँ। ठीक, कुछ और संकेत दे सकता हूँ। और मौखिक और लिखित भाषा का संकेत तो आप जानते हैं सब कुछ, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है तो लिखित है, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, मौखिक। तो देखिए चलते आगे, अगर हम बात करें कि भी हिंदी जो है वो कितने भागों में बटी हुई है, कौन कौन से भाग उसके होते हैं, तो सीधी सी बात, हिंदी अपने तीन भागों में बटी हुई है, जिसका जो पहला भाग है वो है भाषा विज्ञान का। कौन सा भाग है, भाषा विज्ञान का है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाषा के बारे में मैंने अभी आपको बताया, और विज्ञान मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना जो होता है वो विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी चीज के बारे में अगर हम जानने की इच्छा अगर व्यक्त करते हैं तो वो जो अपना पूरा जो चीज बनकर के आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, विज्ञान नाम देते हैं। और भाषा विज्ञान में हमें जो जानकारी मिलती है वो अपनी, अगर जैसे हिंदी का भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो हम अपनी हिंदी का जो विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्रम किस तरीके से चला, ठीक, वो सारी जो चर्चा होती है वो भाषा विज्ञान में होती है। तीन खंड जैसे मैंने आपको बताए, उसमें से पहला खंड हुआ भैया ये भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास देखना है, किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद हिंदी की जो उपभाषा है या बोलियां हैं, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। ठीक, उसके बाद हमें चर्चा करनी है देवनागरी लिपि की, क्योंकि जो अपनी भाषा हिंदी है वो जिस माध्यम में लिखी जाती है, जिस लिपि में लिखी जाती है, उसका नाम क्या है, देवनागरी है। और जो देवनागरी लिपि जो विकसित हुई है वो अपना
ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। अधिकतर जो भारतीय भाषाओं की जो लिपि है, अधिकतर जो भारतीय भाषाओं की लिपि है वो कौन सी लिपि है, तो वो देवनागरी लिपि है। ठीक, अगर यहां पर हम चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि पढ़ेंगे, उसके बाद में भाषा का मानकीकरण देखेंगे, भाषा का जो मानक रूप है वो किस तरीके से वो देखेंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद में हम भाषा की संवैधानिक स्थिति को जानेंगे कि भाषा का जो संविधान में स्थान है वो किस तरीके से भाषा को संविधान में हमने दर्जा दिया है। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अपनी भाषा को संवैधानिक स्थिति में जो दर्जा मिला है, तो अगर देखेंगे तो जो आता है आपका संविधान का अनुच्छेद 343, तो 343 से लेकर 351 तक जो पूरा खंड है, जिसका खंड का जो क्रम है वो भाग 17 है। ठीक है ना, भाग कौन सा है, 17 है, और इसका नाम है आपका क्या भैया, राजभाषा। क्या नाम है, राजभाषा है। अब देखिए जितनी जो राजभाषा की परिभाषा बनेगी, तो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसी को हम नाम देते हैं राजभाषा। हिंदी को राजभाषा के रूप में जो अपनाया गया था वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। इसलिए क्या है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चर्चा करेंगे वो हम भाषा विज्ञान में करेंगे। इसका जो दूसरा खंड होगा, तो दूसरा खंड होगा इसका व्याकरण का। दूसरा खंड किसका होगा, व्याकरण का होगा। ठीक, अब व्याकरण क्या होता है, किसी भी भाषा को जो शुद्ध करने वाले नियम होते हैं जिससे भाषा की शुद्धता का पता चलता है, तो वो उसी को हम क्या नाम देते हैं, व्याकरण नाम देते हैं। ठीक, और व्याकरण का ज्ञान जिसे होता है, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द होता है व्याकरण, बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलेंगे, व्याकरण। ठीक, ये वाला भाषा के जानकार को हम ये नाम देते हैं। ठीक, व्याकरण के अंदर अगर हम देखें तो चार उसमें खंड आएंगे, एक वर्ण विचार का होगा, दूसरा शब्द विचार का होगा, तीसरा वाक्य विचार का होगा, और चौथा छंद विचार का होगा। इन चार खंडों में बांट करके हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण विचार पढ़ेंगे इस तरीके से, है ना। तीसरा जो इसकी इकाई आती है, तीसरा जो इसमें अपना खंड आता है, तो भी तीसरा खंड है इसमें अपना साहित्य का, जो साहित्य खंड के नाम से आता है। साहित्य में जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी जो भी कवियों ने अपने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उन सब का जो वर्णन होता है वो अपना साहित्य में होता है। ठीक, उसमें जो साहित्य में आता, पद का साहित्य अलग होता है और गद्य का साहित्य अलग होता है। ठीक है ना, पद का साहित्य अलग होता है और गद्य का साहित्य अलग होता है। तो ये तीन खंड अपने इसमें हुए भाषा में, जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं। पहला हुआ भाषा विज्ञान, दूसरा हुआ व्याकरण, और तीसरा हुआ साहित्य। ठीक, तो हम इसमें जो है सबसे बड़ा जो खंड है और जहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो वो आपका है व्याकरण खंड। सबसे ज्यादा सभी परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो व्याकरण खंड है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर मैं बात करूं ये जो वर्ण विचार है, तो ये वर्ण विचार वाला जो टॉपिक आपका आएगा, इसमें भी आपके तीन चार टॉपिक रिलेटेड है। वो कौन कौन से होंगे, जैसे हम यहाँ पे वर्ण पढ़ेंगे तो वर्ण माला आएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वर्ण माला यहाँ पर आएगा, वर्ण विच्छेद यहाँ पर आएगा, वर्ण संयोजन यहाँ पर आएगा, और एक आता शब्दकोश देखने का जो तरीका है वो भी इसमें आएगा। बात करेंगे संधि भी अपना वर्ण विचार में आता है, और वर्तनी भी अपना किसमें आता है, वर्ण विचार में, जिसमें ये दिया होता है कि चार शब्द दिए होंगे, निम्न में से कौन सा गलत है या निम्न में से कौन सा सही है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। शब्द विचार की बात करेंगे तो आपका समास वाला जो टॉपिक है, शब्द विचार में जो समास आता है वो यहाँ पर आता है। ठीक, और उसके बाद में आपका उपसर्ग प्रत्यय आते हैं। ठीक है ना, पूरा यहाँ पर चलता है। वाक्य विचार आएगा आपका, ठीक, वाक्य पहले पढ़ेंगे, उसका छंद विचार पढ़ेंगे, तो उसी क्रम में पढ़ते चले जाएंगे। तो मैं जो आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ, तो वो मैं पहले इसकी बेसिक इकाइयों के बारे में चर्चा करूंगा। इसके भी बेसिक इकाई, ये तो मैंने आपको बताया सिलेबस जिस तरीके से हमें पढ़ना है। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है व्याकरण, उसके बाद पढ़ना है भाषा विज्ञान, और नंबर तीन में पढ़ना है साहित्य। सबसे आसान तरीका यही है इसके पढ़ने का, क्योंकि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए सबसे पहले उस चीज को हमें कवर कर लेना चाहिए, उसके बाद में जो जहां से कम वेटेज के क्वेश्चन आते हैं उसको कवर कर लेंगे। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको रफ कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की प्रमुख इकाइयों के बारे में।
बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपका बिल्कुल आंसर उभर करके सामने आ जाना चाहिए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपका क्या है, ध्वनि। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि तो होनी चाहिए। अब कुछ लोग जो वर्ण सोच रहे होंगे वो थोड़ा सा गलत है, मतलब पूरा तो गलत नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत जरूर है। तो आप जल्दी से हेडिंग लगा लेंगे, हेडिंग अपना होगा भाषा की प्रमुख इकाइयां। ठीक है भी? तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इकाइयां, इकाइयां हमें जो पढ़नी है, आपकी इकाइयां हैं पर अपनी पढ़नी है, यूनिट जो होती है, किस प्रकार से अपना जो है सबसे छोटी चीज बनी, फिर उससे अपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उनको मिला के हमने अपनी एक अपनी संपूर्ण इकाई सबसे बड़ी इकाई पर पहुंचे। तो देखो क्वेश्चन आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तभी मेरी आवाज निकल रही है और आवाज निकलना क्या होता है, ध्वनि। तो आप जब भी आपके लिए क्वेश्चन आएगा तो सीधा सा आप किसे लगाएंगे, ध्वनि को रेफर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्वनि है, मैं बोल रहा हूं तो ये मौखिक भी है कहीं ना कहीं, कैसी भैया ये मौखिक है। ठीक है ना, मौखिक मतलब इसका संबंध किससे है, मुख से है। अब मुख से संबंध होने के कारण, मौखिक होने के कारण ये अपना अस्थाई माध्यम है। कैसा माध्यम है ये, अस्थाई है, टिकाऊ नहीं है, मतलब स्थाई नहीं है। जो एक बार कह दिया मतलब जो वो हमेशा के लिए स्थिर हो गया, आप उसको दोबारा उसी में कह सकते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि अभी अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो क्या अगर 5 मिनट के बाद आपको देखा जाए तो आप उसी तरीके से बात कर सकते हैं जो आपने पहले बोली थी, कोई बात कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। उसमें कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को तुम्हें मिलेगा। लेकिन इससे अगली इकाई जो आती है, तो इससे अगली इकाई होती है वर्ण। इससे अगली इकाई क्या होती है भैया, वर्ण होती है। ठीक, अब देखो वर्ण की परिभाषा ये होती है कि भाई जिसके खंड नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात, जिसको और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जो पूर्ण रूप से अपने ऊपर स्वतंत्र होते हैं, जो पूर्ण रूप से अपने ऊपर क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं वर्ण, ये नहीं किसी दूसरे की जरूरत ही हो नहीं होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्ण जो है तो वो अपना लिखित होता है, और लिखित होने के कारण भैया कैसा माध्यम बनेगा, अपना स्थायी माध्यम बनेगा। कैसा माध्यम बनेगा, स्थायी माध्यम बनेगा। दिमाग में बात होनी हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है ये। अगर तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई तो ध्वनि, लेकिन अगर लिपि की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो आपको वर्ण लगानी है। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में इस तरीके से मिल जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप वर्ण को लगा सकते हैं। जब ध्वनि ऑप्शन में नहीं होगा तब, ठीक है, ये मैंने बात कर दी। वर्ण पढ़ेंगे अभी आगे, इसकी आप सब जानते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के वर्ण हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से भाई वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो हमें एक तो पढ़ने होंगे स्वर, और एक क्या पढ़ने होंगे, हमें व्यंजन पढ़ने होंगे। एक स्वर वर्ण पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, हम अपने व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। स्वर के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बता देता हूं। जिसको हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से अपने ऊपर निर्भर रहता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। या और दूसरी परिभाषा हम जान सकते हैं कि जिन वर्णों को लिखने के लिए या बोलने के लिए किन्हीं दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, इसके विपरीत आ जाओ दूसरी का एक जैसे व्यंजन जिसे मैंने लिख रखा, तो भी स्वरों की सहायता से लिखे जाने वाले और बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं तो वो अपने क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है भाई, कैसा बात समझ में आई। ठीक, अब ये जो होते हैं व्यंजन वो स्वरों पर निर्भर करते हैं लेकिन स्वर किन्हीं भी वर्णों पर निर्भर नहीं करते। ठीक, इससे अगली इकाई पर चलते हैं। ऐसी जो अगली इकाई है, तो इससे अगली इकाई है अक्षर। इससे अगली इकाई क्या है, अक्षर। ठीक भाई, अब देखो अक्षर की परिभाषा कुछ लोग कह रहे थे कि वर्ण और अक्षर एक ही है ना, ये बात गलत है कि नहीं होगी, तो इसलिए क्या होगा, अक्षर को वर्ण में बैठना है ना, इसमें कभी भी मस में बैठना, और ना ही ध्वनि को वर्ण, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब थोड़ा थोड़ा अंतर होगी तो बहुत बड़ा अंतर बनेगा, समझ रहे इस बात का हमने। ठीक है, अब ये जो अक्षर है इसकी परिभाषा सीधी सी बात की, वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, हम अक्षर कहते हैं। और एक अक्षर में जो होता है, एक व्यंजन मिला होता है और एक स्वर मिला होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हम कह देते भी अक्षर है
कि ए मतलब नहीं, छर मतलब चीड़, जो चीड़ नहीं होता वो अक्सर है। अब अभी ये तो देखो कि तुम्हें अक्सर की अगर परिभाषा पढ़ में दे दोगे, पढ़ को ध्वनि कह दोगे, तो ऐसे तो ध्वनि ही अक्सर बन जाएगी, क्यों भी गलत हो जाएगा नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसकी परिभाषा को ध्यान से समझना। परिभाषा होगी कि वर्णों का जो अपना एक वर्णों को जोड़ने के बाद जो इकाई बनती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्सर कहते हैं। और ये बात दिमाग में हमेशा रखना, अक्सर तभी बनता है जब व्यंजन प्लस स्वर मिलता है। जब क्या मिलता है, व्यंजन प्लस स्वर मिल जाता है तब जाकर के अक्सर बनता है, ठीक है ना। जब व्यंजन और स्वर मिलेगा तब जाकर के क्या बनता है, अक्षर बनता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब इसमें दो बेस हो गए, एक व्यंजन और एक स्वर। जब हम किसी भी शब्द को लिखते हैं तो लिखने की शुरुआत जो होती है वो किस तरीके से होती है, या तो उस शब्द की शुरुआत स्वर से हो सकती है या उस शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो सकती है। जैसे अगर यहां पर इस शब्द लिखा हुआ इकाइयां, तो अगर मैं बोलूंगा इस शब्द की शुरुआत किससे हुई, तो इस शब्द की शुरुआत हुई है स्वर से। किससे हुई भी? शब्द की जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, स्वर से। अगर मैं यहां पर मैं लिख दूंगा कमल, क्या लिख दिया मैंने यहां पर भाई कमल, तो यहां पर इस शब्द की जो शुरुआत हुई है वो व्यंजन से हुई है। किससे हुई है भाई, व्यंजन से हुई है। अगर मैंने यहां पर तुमसे पूछ लिया इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो ले मत कह देना, क्योंकि इसका अंतिम वर्ण ले नहीं है। इसका अंतिम वर्ण अगर मैं यहां पर देखूंगा, जब इसे क्या करूंगा, पृथक पृथक करूंगा, तो पता चलेगा कि इसका अंतिम वर्ण ले ना करके लेपट में हल लगा दूंगा, तब मिलेगा क्या, ए। समझे कुछ, ठीक है। तो यहां पर इसका अंतिम वर्ण भी क्या है, स्वर है। अब देखो हिंदी भाषा में कुछ शब्द तुमने ऐसे लिखे देखे होंगे, जैसे हम महान लिखते हैं, ठीक है, महान शब्द लिखते हैं, इसमें लाइन लगी होती है ना, और इस लाइन को नाम दिया जाता हल। क्या बोलते हैं इसे, हल बोलते हैं। और ये जिस व्यंजन वर्ण पर लगी होती है उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं हलंत। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, इसे जो लाइन ना तिरछे वाली इसे हलंत बोलते हैं, गलती है, इसे हलंत नहीं बोलते, है ना। हलंत तो इस पूरे वर्ण को बोलते हैं जिस पर हल लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं, ठीक। अब देखो अगर मैं इसका अंतिम वर्ण आपको बताऊंगा, तो इसका अंतिम वर्ण जो होगा, तो यहां से इसका अंतिम वर्ण आएगा ने। क्या आएगा, ने। तो इस शब्द का जो अंत हुआ वो व्यंजन से हुआ, जबकि इस वाले शब्द का जो अंत हुआ था वो स्वर से हुआ था, ठीक है। अब इसी बेस पे क्या होता है, अपने जो अक्षर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अक्षर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं मुक्ताक्षर, कौन से होते हैं, मुक्ताक्षर होते हैं, और एक कौन से होते हैं, बद्धाक्षर होते हैं, ठीक है। एक कौन से होते हैं, मुक्ताक्षर, और एक होते हैं बद्धाक्षर। सिंपल सी परिभाषा का हम लिखना चाहो लिख सकते हैं, मुक्ताक्षर उन अक्षरों को कहा जाता है जिनका अंत स्वर से होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैंने यहां पर ये क्या लिखा भाई, कै में ले लिखा कमल, मैं ऊपर से साफ कर देता हूं, तो अगर हम इसका अगर वर्ण विच्छेद अगर करके देखेंगे, ठीक है भाई, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करके देखें तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा कि भाई कै और उस पे ए, फिर मैं और मैं में ए, फिर आएगा ले और ले में क्या आएगा ए, ठीक। एक दूसरा शब्द मैं लिख लेता हूं, दूसरा शब्द मैंने लिख लिया सम्राट, ठीक है। अब मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो यहां से क्या होगा भाई, से और से के बाद ए, उसके बाद में मैं और मैं के बाद में रे और रे के बाद में आ और उसके बाद में आएगा ये टे, ठीक। अब देखो जैसे कि कमल शब्द लिखा हुआ है, तो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अपना स्वर है और इसका अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है। तो बस यही बेस है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा, जिस शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा भाई, स्वर होगा, तो वो तो होगा मुक्ताक्षर। जिसका अंतिम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, तो वो तो होगा मुक्ताक्षर। और जिसका अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, जिसका अंतिम वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा, तो वो अपना क्या होगा यहां पर, बद्धाक्षर होगा। बोलो ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं, बद्धाक्षर वही होगा जिसका अंतिम वर्ण व्यंजन होगा। सीधी सी बात हम याद रखते, वही होगा जिस पर हल लगा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बात सबको समझ में आ गई होगी, मुक्ताक्षर की और बद्धाक्षर वाली बात, ठीक है भाई। चलते अब इससे अगली इकाई जो आती है, इससे अगली इकाई जो आती है
हाँ भाई ठीक है भाई, तो यहां तक अक्षर तक बात सबके समझ में आ गई। चलिए अब अक्षर से अगली इकाई आती है शब्द। कौन सी इकाई आती है? शब्द। तो शब्द के बाद में हमें जो पढ़ना है वो पूरा तो पढ़ना है शब्द भेद में, लेकिन क्या है थोड़ा सा जान लेंगे बस अपने वर्णों और अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं आपने शब्द कहते हैं। अक्षरों को हम मिलाते हैं कभी उससे कुछ शब्द सार्थक भी बन सकते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी बन सकते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो। तो इसलिए यहां पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपना सार्थक शब्द होते हैं और एक अपना इसमें भैया निरर्थक शब्द होते हैं। एक सार्थक शब्द होंगे और एक कौन से शब्द होंगे? निरर्थक शब्द होंगे। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की अगर बात की जाएगी तो वह है शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? शब्द होगा। और भाषा की द्वितीय इकाई के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? शब्द होगा। ठीक, शब्द की पूरी जो चर्चा करेंगे वो हम शब्द भेद में करेंगे, ठीक है ना। अब शब्द से जो अगली इकाई आती है तो वो आता है पद। क्या होता है भैया? पद आता है। सबसे अगली इकाई क्या आती है? पद की आती है। अब देखो पद में और शब्द में केवल इतना अंतर होता है जब हम किसी भी शब्द किसी भी सार्थक शब्द का प्रयोग किसी भी सार्थक शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में अगर कर देते हैं तो वो शब्द क्या कहलाने लगता है? पद कहलाने लगता है। पदों की जो संख्या होती है वो पांच होती है। पदों की संख्या कितनी होती है? पांच होती है। पांच जो होती है कौन कौन से होते हैं? तो भाई यहां पर आता है अपना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और एक आता है अव्यय। ये पांच अपने पद होते हैं, ठीक है। पांच पदों में अगर हम बात करेंगे तो ये वाले जो पद होते हैं तो ये पद होते हैं अपने विकारी। कैसे होते हैं? विकारी। और विकारी का मतलब है कि हम इनमें किसी आधार पर कोई ना कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अव्यय जो होता है तो अव्यय होता है अपना अविकारी। कैसा होता है भैया? ये अविकारी होता है, मतलब अव्यय में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अव्यय की अगर बात करेंगे तो अव्यय के जो भेद होते हैं वो चार भेद होते हैं अव्यय के। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और एक होता विषमादि बोधक अव्यय। चार प्रकार का अव्यय होता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। पद के बारे में जान लिया। पद के बाद अगर हम देखेंगे इससे अगली इकाई जो आती है तो पद से अगली इकाई आती है पदबंध की, ठीक है। किसकी इकाई आती है? पदबंध की आती है, ठीक। अब पदों के समूह को पदबंध कहा जाता है। पदों के समूह को क्या कहा था भी? पदबंध कहा जाता है। जितने प्रकार के पद होते हैं उतने प्रकार के पदबंध होते हैं। तो इसलिए पदबंध भी कितने प्रकार के होते हैं भैया? आपके पांच प्रकार के होते हैं। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे अपने पदबंध की और इससे संबंधित पूरा अपना टॉपिक आएगा आगे और इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको, है ना। जैसे लंका का राजा रावण, लंका का राजा रावण था, ऐसे लिख दिया ना, लंका का राजा रावण था। अगर यहां तक की बात करें तो इसके लिए लिखते पूछो लिखते लंका का राजा रावण बहुत चालाक था, ये लिख लेते। अब लंका का राजा रावण बहुत चालाक था तो यहां से यहां तक का जो ये है तो ये बात हमने किसके बारे में बात करेगी? रावण के बारे में। अब ये पूरा पदों का समूह हो गया इसलिए ये क्या कहलाएगा? अपना पदबंध कहलाएगा, है ना। पदबंध की पहचान पड़ती है उसके अंतिम पद से। इसकी यहां पर अंतिम पद क्या है? रावण। और रावण एक क्या है? संज्ञा। तो इसमें जो प्रकार हुआ पदबंध का तो वो होगा अपना ये संज्ञा पदबंध। कौन सा होगा ये? संज्ञा पदबंध। यहां तक की बात क्लियर? जब पूरा टॉपिक आएगा तो आगे पढ़ेंगे। आप ये मत सोच रहे कि हमें बीच में छोड़ देंगे, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है भाई। शुरू से लेकर लास्ट तक ये पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको एक चीज देखनी है, एक मिनट रुक जाइएगा, पूरा सिलेबस आपके लिए मिलेगा इसमें, है ना। अगर हम बात करते हैं इसमें अगली इकाई की अगर हम बात करेंगे, ठीक है।
प्रकार की अगर बात करेंगे तो एक आपका होता है संज्ञा उपवाक्य, एक होता है विशेषण उपवाक्य और एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है भाई, यहां तक की बात होगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे पढ़ेंगे जो प्रकृति से संबंधित आएगी। फिलहाल अभी हम बस ये देख लेते हैं कि कौन सी इकाई किस स्थान पर आने वाली। लास्ट जो इकाई है वो है अपने भैया वाक्य। लास्ट इकाई यानी क्या है? वाक्य। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई, वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। परिभाषा बनेगी पदों के व्यवस्थित तथा सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। पदों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। वाक्य भाषा की कैसी इकाई है? सार्थक इकाई है। वाक्यों का विभाजन हुआ है दो आधारों पर। अगर हम अर्थ के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें? अर्थ के आधार पर, तो आठ प्रकार के वाक्य होते हैं। और हम अगर रचना के आधार पर देखें तो तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये था अपने सभी इकाई से संबंधित पूरा सेशन। ठीक है ना, अगला जो हमारा वीडियो आएगा तो अगला जो सेशन होगा वो अपना इन्हीं इकाइयों को पूरा करते करते अपने इधर से चलेंगे। जैसे हमने सबसे शुरू में किसके बारे में पढ़ा भी? ध्वनि के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। उसके बाद हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, उसके बाद अक्षर के बारे में पढ़ा, उसके बाद शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द के बाद हमने पद के बारे में पढ़ा, पद के बाद पदबंध के बारे में पढ़ा, पदबंध के बाद उपवाक्य के बारे में पढ़ा और उपवाक्य के बाद हमने वाक्य के बारे में पढ़ा। ये अपनी आठ बेसिक इकाइयां हैं जिनको हम पूर्ण करेंगे और पूर्ण करने के बाद अपना जो व्याकरण वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ये जो तीन चीजें हमें मिलेंगी ध्वनि वर्ण और अक्षर, तो इनसे संबंधित जो टॉपिक होगा उसी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो टॉपिक होगा वो होगा अपना वर्णमाला का। ठीक है ना, कौन सा टॉपिक होगा? वर्णमाला का टॉपिक होगा। शब्द से संबंधित शब्द भेद आएगा, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, शब्द से संबंधित पद से अपना संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए आने वाले हैं। तो देखिए आप भाई घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आपको पूरी जो कंटेंट है वो इसी माध्यम से आपको लगातार मिलता रहेगा। और मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया करूंगा जिसका आंसर मैं अपनी अगली वीडियो में दिया करूंगा। तब तक जो है आप उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा वर्णमाला से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? वर्णमाला से संबंधित होगा। और आपको ये सर्च करना है कि भी वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं, वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको सर्च करना है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।